अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं वाकफियत आमा जनरल नॉलेज जमात सोम, बाब अव्वल सूरज द सन। हमारी कायनात यानी यूनिवर्स अनगिनत अजसाम से मिलकर बनी है जिनमें ज़मीन और सूरज भी शामिल हैं। जी प्यारे बच्चों, हमारी जो कायनात है वो काउंटलेस बॉडीज से अनगिनत अजसाम से मिलकर बनी है जिनमें ज़मीन और सूरज भी शामिल हैं। ज़मीन सूरज के गिर्द अपने मदार यानी ऑर्बिट, इट मींस अपने रास्ते में गर्दिश करती है, घूमती है, जिससे मौसम बनते हैं। ज़मीन सूरज के गिर्द अपने ऑर्बिट में घूमती है जिससे मौसम बनते हैं। ज़मीन अपने महवर यानी एक्सेस में भी गर्दिश करती है जिससे दिन और रात बनते हैं। ज़मीन अपने महवर यानी एक्सेस में भी गर्दिश करती है जिससे दिन और रात बनते हैं। और ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज के सामने होता है वहाँ दिन होता है जबकि दूसरे हिस्से में रात होती है। ये भी जानिए जी प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ज़मीन सूरज के गिर्द अपने मदार में एक चक्कर करीबन 365 दिनों में मुकम्मल करती है। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि साल में कितने दिन होते हैं, तो साल में 365 दिन ही होते हैं। तो ज़मीन सूरज के गिर्द अपने मदार में एक चक्कर 365 दिनों में मुकम्मल करती है। और ज़मीन जब अपने महवर यानी एक्सेस में एक चक्कर करीबन 24 घंटों में पूरा करती है। ज़मीन अपने महवर में एक चक्कर कितने घंटों में पूरा करती है? 24 घंटों में पूरा करती है। ज़मीन का अपने महवर में गर्दिश करने से दिन और रात बनते हैं। सूरज का तलू और गुरूब होना, सनराइज एंड सनसेट। सूरज मशरिक से तलू और मगरिब में गुरूब होता दिखाई देता है। प्यारे बच्चों, दिखाई देता है इसका ये मतलब नहीं है कि वो मशरिक से तलू और मगरिब में गुरूब होता है। वो मशरिक से तलू होता और मगरिब में गुरूब होता दिखाई देता है। हकीकत में ये तलू और गुरूब नहीं होता। ज़मीन सूरज के गिर्द अपने महवर में मगरिब से मशरिक की तरफ गर्दिश करती है। जी प्यारे बच्चों, ज़मीन सूरज के गिर्द अपने महवर में अपने एक्सेस में मगरिब से मशरिक की जानिब गर्दिश करती है। इस गर्दिश की वजह से हमें सूरज मशरिक से तलू और मगरिब में गुरूब होता दिखाई देता है। प्यारे बच्चों, आप इस सफ़े की इमला भी याद करेंगे और लिखेंगे। जी, फर्स्ट वर्ड है तलू, गुरूब, महवर। जी प्यारे बच्चों, बुनियादी समतें यानी कॉर्डिनल डायरेक्शंस किसी भी जगह या चीज़ का महल वकू मालूम करने के लिए समत अहम किरदार अदा करती है। बुनियादी समतें चार हैं। जी प्यारे बच्चों, कितनी समतें हैं? चार, मशरिक, मगरिब, शिमाल और जनूब। मशरिक, मगरिब, शिमाल और जनूब। हम सूरज की मदद से बुनियादी समतों का अंदाज़ा कर सकते हैं। सुबह के वक्त सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। जी प्यारे बच्चों, जब सूरज तलू हो रहा हो तो आप सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं, तो आपके बिल्कुल सामने मशरिक होगा, आपके बैक यानी पीछे मगरिब होगा, आपके दाएं जानब जनूब और बाएं जानब शुमाल है। ये भी जानिए, समतें मालूम करने के लिए एक आला इस्तेमाल किया जाता है जिसे कुतुब नुमा कहते हैं और इंग्लिश में इसको कंपस कहते हैं। जी, सफ़ा नंबर 3, साया की बनावट, फॉर्मेशन ऑफ शेडो। सूरज की शुआएं अपने माखज यानी सोर्स ऑफ लाइट से सीधी लाइन में सफ़र करती हैं। सूरज की शुआएं लाइट रेज हमेशा सीधी लाइन में सफ़र करती हैं। अगर इनके रास्ते में कोई गैर शफाफ चीज़ आ जाए तो रोशनी इसमें से नहीं गुजर सकती। आप देख सकते हैं ये बॉक्स इस लाइट के सामने आ गया तो दूसरी तरफ इसका साया बन गया है। यूँ दूसरी तरफ इस चीज़ का साया बन जाता है। जब कोई गैर शफाफ चीज़ ऐसी जिसमें से रोशनी आर पार नहीं गुजर सकती, जब कोई गैर शफाफ चीज़ रोशनी के रास्ते में आती है तो दूसरी तरफ इस चीज़ का
साया बन जाता है। ये साया सिर्फ उसी जगह होता है जहाँ रुकावट की वजह से रोशनी नहीं पहुँच सकती। आप देख सकते हैं ये साया सिर्फ उसी जगह पे है जिस जगह पे ये बॉक्स है। इस बॉक्स ने रोशनी को रोका हुआ है। साय के बनने के लिए रोशनी का होना ज़रूरी है प्यारे बच्चों। साय के बनने के लिए रोशनी का होना ज़रूरी है। साया हमेशा मुखालिफ समत में बनता है और आप ये भी देख सकते हैं रोशनी एक साइड पे है, एक तरफ है, और साया दूसरी तरफ यानी मुखालिफ समत में है। साय की शक्ल और जिसामत का इन्हिसार इस बात पर होता है कि रोशनी किस समत और किस जाविये से पड़ रही है। साय की शक्ल और जिसामत का इन्हिसार इस बात पर होता है कि रोशनी किस समत और किस जाविये से पड़ रही है। साय की मदद से हम वक्त का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सुबह और शाम के वक्त साया लंबा होता है। प्यारे बच्चों, आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि सुबह और शाम के वक्त साया लंबा होता है जबकि दोपहर के वक्त साया छोटा होता है।